हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। ये उस समय की बात है जब 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पब्लिश हुई थी, जिसने हमें हमारे ब्रह्मांड और स्पेस को अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया था। ये थ्योरी बड़े सटीक तरह से ब्रह्मांड में हर एक चीज और घटना को एक्सप्लेन कर सकती है, पर एक चीज को नहीं जो सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, जिसे आइंस्टाइन मानते थे कि ये स्पेस के ऐसे ऑब्जेक्ट हैं कि जिनका मास सबसे अधिक होगा और ये अपनी तरफ सब वस्तु को खींचकर नष्ट कर सकते हैं। फिर 1967 में ये वस्तु होने का सबूत पहली बार जॉन व्हीलर नाम के साइंटिस्ट द्वारा देखा गया था और इन्होंने इसका नाम ब्लैक होल दिया था। आइंस्टाइन की थ्योरी पब्लिश होने के बाद डॉक्टर फ्रिट्ज के हाथों एक ऐसी चीज लगी थी जिसने सबका दिमाग घुमा दिया था। उनकी सालों की खोज के बाद उन्होंने दावा किया था कि इस ब्रह्मांड में जो चीज है, मैटर जो हमें दिखाई देते हैं, उसके अलावा भी कोई चीज है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। और उनका मानना था यही अदृश्य किस्म के मैटर की संख्या वो सारे मैटर जो हम देख सकते हैं उनसे भी कई ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। तो ये क्या चीज थी? और उनके दावे ने सबके होश उड़ा दिए थे। ब्रह्मांड में कोई भी सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चक्कर लगा रहा है तो हम जानते हैं कि यह उसकी ग्रेविटी की वजह से चपेट में है, पर बात यह है कि मैक्सिमम स्पीड तक ही उस प्लेनेट के चक्कर लगा सकता है। अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो प्लेनेट उस सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में नहीं रख पाएगा और वो सैटेलाइट उसकी ग्रेविटी के चपेट से निकल जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ही चीज का ध्यान रखकर हम जान सकते हैं एक दूर की गैलेक्सी में जो उसके चक्कर लगा रहे हैं उन सभी की मैक्सिमम स्पीड कितनी है। जानने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गैलेक्सी का टोटल मास कितना होगा जो सभी सितारों को अपने स्ट्रक्चर में बनाए रखा है। डॉक्टर फ्रिट्ज की खोज से पता चला कि यह अपने मास से 100 गुना तेजी से स्पिन हो रहे थे। यह बहुत चौंका देने वाली बात थी जो इशारा कर रही थी कोई तो वो जादुई चीज है जो पूरी गैलेक्सी का मास बढ़ा रही है, और इसी वजह से भी गैलेक्सी के स्टार सोलर सिस्टम 100 गुना तेजी से उसके चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर फ्रिट्ज ने इस अदृश्य चीज का नाम डार्क मैटर रखा क्योंकि हम इस मैटर को महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। डॉक्टर फ्रिट्ज का यह भी मानना था कि ये डार्क मैटर की संख्या ब्रह्मांड के शुरुआत में बहुत ही ज्यादा हुई होगी और इस वजह से उस समय के सितारे हाइड्रोजन एटम की जगह ऊर्जा के लिए डार्क मैटर का उपयोग करते होंगे। ये सितारे आज के सितारों से बिलियन गुना ज्यादा विशाल हो सकते थे और उन्होंने इन्हें डार्क स्टार का नाम दिया। डार्क स्टार ही वो सितारे हो सकते हैं जो गैलेक्सी के बीच में सुपर मासिव ब्लैक होल बन गए हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ ऐसी शानदार वीडियो आती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।